नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। और आज बातचीत शुरू करने से पहले आपको कुछ विजुअल्स दिखाती हूँ। पहले इन विजुअल्स को देखिए, उसके ऊपर क्या आप सोचते हैं अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस तरह की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों के खौफनाक चेहरे सबके सामने आ सके। लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लेकिन विजुअल देखिए, पंजाब में आजकल इस तरह से जो नारे हैं वो बेहद आम हो गए हैं। इस तरह के दृश्य बेहद आम हो गए हैं। किसान आंदोलन के नाम पे भारत विरोधी तत्वों के द्वारा जो एक मुहिम छेड़ी गई थी वो लगातार बढ़ती जा रही है और उसको हवा दे रहे हैं जो फिलहाल पंजाब में सत्तारूढ़ी पार्टी हैं। वो पंजाब की अगर बात करें तो बेहद सेंसिटिव स्टेट माना जाता है, पाकिस्तान से लगा हुआ है। खालिस्तान मुद्दा 80 की दशक में यहाँ पे बेहद
खौफनाक दृश्य ले चुका था, जिसको लेकर के अलग कानून बनाए गए थे टाडा, और उस टाडा के अंदर ही देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया गया था। पंजाब जो कि अब बेहद एक सेंसिटिव, एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है ऐसा कह सकते हैं, जिस मुद्दे को भारत सरकार ने बड़ी मुश्किल से काबू में पाया था, एक ऐसी पार्टी आई इस देश में जो सत्ता की लालच में उस मरे हुए मुर्दे को, उस फेंक दिए गए मुद्दे को, उस फेंक दिए गए खतरनाक आतंकी गतिविधियों को फिर से जगा गई। सत्ता चाहिए थी सिर्फ इसलिए। ये पार्टी जिसे हम आम आदमी पार्टी कहते हैं, वो सत्ता की लालच में इस तरह से भारत विरोधी तत्वों के हाथों में बिक चुकी है कि उसे ये भी एहसास नहीं है कि पंजाब में अगर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो उसका असर क्या होगा। वही पंजाब जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है। यूँ कह सकते हैं कि ये पार्टी सत्ता के लिए अपने आप को भारत विरोधी तत्वों के हाथों बेच चुकी है। ये लालची पार्टी अपने सत्ता के लिए भारत का हित नहीं सोचती है, या ये भी कह सकते हैं कि ये पार्टी और ये व्यक्ति जो उसका मुखिया है, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, वो भारत विरोधी तत्वों द्वारा प्लांटेड एक मोहरा है, और जो उसको आदेश मिलता है उसके हिसाब से वो कठपुतली की तरह नाचता है। क्या है ये, शायद जब दिन आगे बढ़ेंगे, जब पाप का घड़ा भर जाएगा, तो सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आ जाएंगी, लेकिन इस तरह के विजुअल्स जो हैं पंजाब में बेहद आम हो गए हैं। पंजाब, हमारा पंजाब, जहाँ की पंजाबियत प्यार का रस घोलती है, वहाँ पे एक बार फिर नफ़रत के बीज बोने को की कोशिशें की जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आज की बात है और किसान मुद्दे को लेकर ही, किसान आंदोलन को लेकर ही यहाँ पे उसके बाद से ये गतिविधियाँ शुरू हुई हैं। इससे पहले भी जब आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन लड़ी थी तो वो किसान के मुद्दों पे को लेकर के नहीं आई थी, बल्कि खालिस्तान मुद्दों को उठाते हुए पंजाब में अपने पांव जमाने की कोशिश की गई थी, और इस बार पूरी तरह से उसी खालिस्तान मुद्दे का नतीजा आप देख रहे हैं। चलिए आपको 2014 में लिए चलते हैं। 2014 में अरविंद केजरीवाल, जो कि उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके ऑफिस से एक पत्र निकलता है। पत्र निकलता है किसके नाम, ये पढ़कर मैं आपको सुनाती हूँ। ये पत्र निकलता है इकबाल सिंह के नाम। इकबाल सिंह के भी पूरे डिटेल मैं आपको दूंगी। इकबाल सिंह को लिखते हैं सीएम ऑफिस, जो है दिल्ली के, उनके ऑफिस से निकलता है ये लेटर, हम आपको दिखाएंगे। डियर इकबाल सिंह जी, आई हैव लर्नड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज दैट यू आर सिटिंग ऑन द इन्फिनिट अनशन डिमांडिंग जस्टिस फॉर सिक्स ऑन वेरियस इशूज। आवर गवर्नमेंट इज सिंपथेटिक टू द इशू एंड वुड टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर फुल जस्टिस। हाउएवर द इशू इन्वॉल्व आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर कंसल्टेशन एट वेरियस स्टेजेस। वी विल ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन soonest. Dear, Delhi government has already recommended to the president the release of Professor Buller and would also be working on other issues including formation of SIT etc. in a sympathetic and time-bonded manner. Yours sincerely, Arvind Kejriwal, Chief Minister, Delhi. To subject to Iqbal Singh. अब इकबाल सिंह, इसमें दो नाम आए हैं, एक इकबाल सिंह और एक भुल्लर। भुल्लर मतलब देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, वही भुल्लर जिसको कि फांसी की सजा दी गई थी, जो कि बेहद ही खतरनाक एक आतंकवादी था खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट का, और जिसके सर पे ना जाने कितने लोगों की मौत के आरोप
ही नहीं बल्कि वो कन्विक्टेड भी हुआ। प्रेसिडेंट हाउस से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी थी, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने काम किया कि देवेंद्र सिंह भुल्लर के फांसी को किस तरह से रुकवाया जाए इस पर और उसको रिलीज किया जाए इसको लेकर के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा। भुल्लर वो है जिसने 1993 में कार में बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिसमें 6 लोग मारे गए थे और तकरीबन 31 लोग घायल हुए थे। उसके बाद कांग्रेस ऑफिस में इसने RDX प्लांट करते हुए बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिसमें 9 लोग मारे गए थे और ना जाने कितने लोग घायल हो गए थे। घायलों में से एक उस वक्त के कांग्रेस यूथ प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह बिट्टा भी थे। भुल्लर को गिरफ्तार किया गया, टाडा के तहत उसे बंद किया गया, हर फ्रंट पे उसे फांसी दी गई, लेकिन उस वक्त से ही मैनेज किया जा रहा था और लेटर सिर्फ प्रेसिडेंट को नहीं लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट उसके बाद इस प्लांटेशन में कहीं ना कहीं दिख रही थी मनजिंदर सिंह बिट्टा के आरोपी कन्विक्टेड जो कि हो चुके थे। प्रोफेसर था ये, लेकिन प्रोफेसर की आड़ में ये पंजाब में आतंकी गतिविधियां चला रहा था धर्म देवेंद्र सिंह भुल्लर। उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया था। मुझे याद है मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही थी जब ये मामला सामने आया था और ये पहला मौका था जब प्रेसिडेंट हाउस से किसी को फांसी की आदेश पारित किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमैनिटी के आधार पे, मानवीय अधिकारों के आधार पे देवेंद्र सिंह भुल्लर को की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया था और ये पहला केस था जिसमें इस तरह के फैसले आए थे। बहुत चर्चाएं हुई थी, मनजिंदर सिंह बिट्टा काफ़ी नाराज लग रहे थे, लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी के खामे में, आम आदमी पार्टी की गलियारों में जश्न का माहौल था। अब बात करते हैं ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह खालिस्तान, प्रो खालिस्तान एक व्यक्ति है जिसे अभी हाल ही में जब किसान आंदोलन चल रहा था और दिल्ली के लाल किले पर जब तिरंगे का अपमान हुआ था, खालसा पंथ के झंडे वहाँ पे लहराए गए थे, तो होशियारपुर से उसी खालिस्तानी गतिविधियों का मास्टरमाइंड ईश्वर सिंह को होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी को लेकर के कितने टैंट्रम हुए थे, कितने हंगामे हुए थे, ये हम सब ने देखे थे कि कैसे उसने पुलिस वालों को भी जब गिरफ्तार करने आए थे तो पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर उनको, अगर कहें तो उनके चारों तरफ एक घेराबंदी कर चुका था जिसे पुलिस वाले भी नहीं निकल पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसको गिरफ्तार किया गया था और बार बार धमकियां चारों तरफ से आ रही थी, कनाडा से भी आ रही थी, धमकियां ब्रिटेन से भी आ रही थी। ये सारे प्रो खालिस्तानी फ्रंट के लोग थे। कनाडा में इंडियन एम्बेसी के सामने भी तिरंगे को जलाया गया था, ब्रिटेन में भी जलाया गया था, यहाँ पे तिरंगे का अपमान हुआ था। और ईश्वर सिंह को गिरफ्तार करने जब पुलिस गई थी तो पुलिस को ही वहाँ पे कैदी बना लिया गया था। केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। ये ईश्वर सिंह वही है जो दीप सिंह सिद्धू को प्रमोट करता था। दीप सिंह सिद्धू जब गिरफ्तार हुआ था तो पन्नू की मदद से कई तरह के ऑब्जेक्शनल वीडियो जो हैं वो सामने आए थे और ये भी काफ़ी आग उगल रहा था। इसके समर्थक है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक पपेट को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है जिसका नाम भगवंत सिंह मान है। पंजाब जिसको कि वो नशा मुक्त करना चाहते थे, उड़ता पंजाब जब पहली बार इलेक्शन लड़ने गए थे तो इसीलिए बनाए थे कि किसी तरह से पंजाब जो है नशे में डूबा हुआ है और जब उनकी सरकार आएगी तो इस नशे से उनको उबारेगी। लेकिन नशा युक्त एक CM पंजाब को देकर उन्होंने पंजाब के युवाओं की भविष्य को बर्बाद कर दिया है। साथ ही पंजाब के माध्यम से वो भारत के भविष्य को भी खतरे में डालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। सरकार वहाँ आम आदमी पार्टी की है, मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, लेकिन वो महज कठपुतली हैं,
फैसले दिल्ली से अरविंद केजरीवाल लेते हैं। अभी हाल ही में उनके लिए गए एक फैसले को लेकर मीडिया में बवाल उठा था। ये सारी बातें मेनस्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पब्लिसिटी के नाम पर, एड के नाम पर जितने भी चैनल्स और अखबार हैं दिल्ली के, नेशनल अखबार हैं, उनको खरीद चुके हैं। उनके पास इतने पैसे जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। ये खबर आपको दिखा रही हूँ, बेबाक खबर है। यहाँ किसी अरविंद केजरीवाल या किसी नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं आता है, ये अपने दम पे चलता है, इसीलिए बेखौफ होकर अपनी आवाज़ को बोलता है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ, समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो, उस पर हम बेबाक होके बोलें, ये हमारा नागरिक होने के नाते दायित्व भी है, और क्योंकि मैं पत्रकार हूँ तो ये मेरा परम दायित्व बन जाता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे, और कमेंट बॉक्स में अरविंद केजरीवाल के इन चेहरों को आप कैसे देखते हैं ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।